सो हे एवरीवन, इस पेंटिंग को डिटेल में जानने के लिए आपने कमेंट्स किया था, तो इस वजह से इस वीडियो को मैंने अपलोड किया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस पेंटिंग में मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग किया, कैसे शेडिंग किया, कैसे कलरिंग किया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से स्केच कर लिया था। इसमें मैंने कैमल का प्रीमियम पोस्टर कलर का यूज़ किया है। सो यहाँ पे मैंने ऑरा के लिए येलो दिया है और उसके बाद व्हाइट लगा के फिर इसको मिक्स किया है अच्छे से फ्लैट ब्रश से, और फिर ऑरेंज लगाया है, फिर तीनों को मिक्स किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। यहाँ पे मैंने 4 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ किया है जो कि प्रीमियम पोस्टर कलर के साथ आता है। जब भी कलर को मिक्स करेंगे तो 2 कलर को अप्लाई करके फिर ब्रश को अच्छे से धुल के तब जाके उसको मिक्स करेंगे, और ब्रश में ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। तो फेस में पेंटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने पीकॉक ब्लू लिया है और जहाँ हाईलाइट देना है उसमें थोड़ा व्हाइट मिक्स किया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो फेस का डायमेंशन है उसमें जहाँ डार्क एरिया है यानी कि जो साइड का एरिया है वहाँ पर मैंने डायरेक्ट पीकॉक ब्लू लगाया है, और उसके बाद जहाँ लाइट एरिया है थोड़ा सा उसमें व्हाइट मिला के उस एरिया पे लाइट ब्लू अप्लाई किया है और फिर दोनों को मिक्स किया है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पे क्या करेंगे कि जो पीकॉक ब्लू है उसमें थोड़ा सा प्रूशियन ब्लू मिला के उसको डार्क कर लेंगे और तब जाके उसको अप्लाई करेंगे, और जहाँ हाई लाइट एरिया है वहाँ पर वाइट डायरेक्ट डालेंगे और फिर उसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो सभी जगह अप्लाई होता है, चाहे हम जिस एरिया में पेंटिंग कर रहे हैं चाहे हम जिस एरिया में कलरिंग कर रहे हैं, कि जहाँ डार्क एरिया है वहाँ पे डार्क कलर देके और जहाँ लाइट एरिया है वहाँ पे लाइट कलर देके और फिर दोनों को बहुत केयरफुली मिक्स करेंगे। और टोन जो है वो डार्क टोन, मिड टोन और लाइट टोन, इन तीनों को लेके चलना पड़ेगा हमें। तो जैसे डार्क एरिया में डार्क कलर को अप्लाई करेंगे और फिर लाइट एरिया में लाइट को अप्लाई करेंगे और सेंटर पर दोनों को मिक्स करेंगे तो वो मिड टोन हो जाएगा, इस तरह से हमें मिक्स करना होगा। सो इसी टेक्निक को आगे भी फॉलो किया है। So let's enjoy the video.
सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी होगा आपके लिए समझना कि कैसे मिक्सिंग करते हैं और कैसे कलरिंग करते हैं। सो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन जरूर दबा देना ताकि जो न्यू वीडियो आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।